हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे चार क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारे पॉलिनोमियल्स हैं, और पॉलिनोमियल्स के अंदर हमको कोएफिशिएंट फाइंड करना है किसके, एक्स स्क्वायर के। तो लेट अस वी स्टार्ट विथ फर्स्ट 2 + x² + x। अब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसके अंदर हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये जो तीन टर्म है उसके अंदर एक्स स्क्वायर वेरिएबल कहाँ पे है, तो यहाँ पर है उसका कोएफिशिएंट। उसका कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, तो जो आगे होता है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। सपोज हम बोले 2x, तो 2 को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। सपोज 3x³, तो 3 को कोएफिशिएंट बोलते हैं। सपोज 5x², तो 5 को हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जहाँ पे एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका आंसर हमको क्या मिलेगा, तो इसका आंसर हमको मिलेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। नाउ सेकंड, 2 - x² + x³, 2 - x² + x³। अच्छा, हमको यहाँ पे क्या करना है, सेम प्रोसीजर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एक्स स्क्वायर का ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ पे देखो माइनस आगे है तो -1 बोलेंगे। तो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। नाउ थर्ड, π/2 x² + 1, सेम सिचुएशन है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, π/2 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। ओके, नाउ फोर्थ, √2x - 1। देखो ये क्वेश्चन के अंदर हमको एक थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर का हमको कोएफिशिएंट फाइंड करना है, पर यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट भी नहीं होगा। तो लिख सकते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। ओके, नहीं होता है इसका मीनिंग, 0 होता है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।